तो बच्चों मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा कुछ एक वेस्ट मेटल के बारे में, एक वेस्ट मेटल में कुछ आपको एक पुराने धागों के बारे में बताऊंगा, एक पुरानी ऊन के बारे में। ऊन तो बच्चों आप सब जानते होगे ना, बच्चों आप ये भी जानते होगे अभी आपके सर्दियों के मौसम चल रहे, तो आपके घर में आपके परिवार वाले आप भी कई प्रकार के बच्चों आप अच्छे अच्छे ऊन खरीदते हैं, अच्छे अच्छे ऊन के धागे लाते हैं, अच्छे अच्छे ऊन के गोले खरीदते हैं। तो जब बच्चों अपने घर में अच्छे अच्छे ऊन लेकर आते हैं तो बच्चों आप ये भी जानते होंगे कि उस ऊन से क्या क्या बनाए जाते हैं। बच्चों ऊन से क्या क्या बनता है बच्चों? स्वेटर, जॉकेट, जर्सिया, टोपी, जुराब, कई प्रकार के बनते हैं। आपके घर में आपके परिवार भी बनाते होंगे, आप भी बनाते होंगे। तो मान लो बच्चों अपने घर में एक अच्छी सी स्वेटर बन जाती, या मान लो अपने घर में एक अच्छी सी जॉकेट बन जाती। जब बच्चों अपने घर में स्वेटर जॉकेट बनने के बाद, कभी कभी बच्चों अपने घर में क्या होता है, इस प्रकार से हमारे घरों में ये छोटे छोटे ऐसे हमारे घरों में ये ऊन के टुकड़े बच जाते हैं। अगर मान लो बच्चों आपके घर में ये ऊन के टुकड़े बच जाते हैं तो आप इस टुकड़ों को क्या करते बच्चों? फेंक देते, जैसे आप इन्हें कूड़े कचरों फेंकते। लेकिन बच्चों हमारे कुछ राजस्थान के बच्चे इसे फेंकते नहीं, हमारे राजस्थान में हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसी पुराने धागों से, इसी पुराने ऊन के टुकड़ों से हम कई प्रकार के कारपेट और ड्राइंग भी तैयार कर सकते हैं। तरीका मैं सिखा कर जाऊंगा बच्चों, लेकिन आपको बातें नहीं करना है, ध्यान लगा कर देखना है, सीखने की भी कोशिश करेंगे, अपने घर में अपने परिवार है उसको भी समझाना है। अगर बच्चों आप नहीं बनाना चाहते तो आपके घर में परिवार है उसको भी समझाना है कि हमारे घर में जो पुराने धागे पड़े रहते हैं हम फेंकेंगे नहीं, इसी पुराने धागों से, इसी पुरानी ऊन के रंगीन धागों से आप कोई भी चित्र, कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो मान लो बच्चों आपके घर में ये ऊन के धागे बच जाते हैं तो क्या करते हैं आप इसे? कभी कभी बच्चों अपने घर में अच्छे अच्छे ऊन लेकर आते तो कभी कभी हमारे घर में ये ऊन कैसे गुंजाल पड़ जाती, हमारे घर में ये ऊन भी बिगड़ जाते। अगर मान लो बच्चों आपके घर में ये ऊन बिगड़ जाते तो आप इसी बिगड़े वाले ऊन को लेकर किसी दुकानदार को देने जाएंगे तो बच्चों आप बता सकते हैं कि दुकानदार इसे खरीद सकता बच्चों? तो आप इसे क्या करते हैं? फेंक देते हैं, कोई काम तो है नहीं, पुराना धागा है, कूड़े कचरों फेंक देते हैं। लेकिन बच्चों अब आप इसे फेंकना है, मैं तरीका सिखा कर जाऊंगा लेकिन बातें नहीं करना है, ध्यान से देखना है। अगर मान लो बच्चों आपके घर में ये ऊन के धागे बच जाते हैं इसी रंगीन ऊन के धागों से, इसी पुरानी ऊन के टुकड़ों से, बच्चों मैंने एक छोटा सा एक ड्राइंग मैंने तैयार किया, सिर्फ बेकार ऊन से बनाए, जो हमारे घर में पुराने ऊन पड़े रहते बच्चों हम फेंकते नहीं, इसी पुरानी ऊन के टुकड़ों से और इसी पुरानी ऊन के रंगीन धागों से, बच्चों मैंने एक छोटा सा ये ड्राइंग मैंने तैयार किया, सिर्फ मैंने ये बेकार और पुराने धागों से ये डिजाइन बनाए गए बच्चों, ये बच्चों आपके घर में ऊन के टुकड़े बच जाते हैं, आपके घर में ऊन के धागे बच जाते हैं, आपके घर में कई प्रकार के जैसे धागे पड़े रहते हैं कूड़े कचरों में आप फेंक देते। लेकिन बच्चों आप क्या करते हैं, धागे कूड़े कचरों फेंक देते, लेकिन हमारे राजस्थान के बच्चे इसे फेंकते नहीं। हमारे राजस्थान में हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, ये पुराने धागों से और इसी पुराने ऊन के टुकड़ों से ये डिजाइन हम तैयार करते हैं। जहाँ से बच्चों मैं आपको दिखला रहा हूँ ये उल्टा है, अगर आप कोई भी तस्वीर बनाओगे या कोई भी ड्राइंग करना चाहोगे, कोई भी गलीचा बनाना चाहोगे तो पहले नंबर बच्चों आपको उल्टा बनाना, उल्टी साइड बच्चों आप इस प्रकार से बनाएंगे, सीधी साइड काटोगे तो एक वेलवेट एक मक्खन की तरह बनेगी, ये दोनों साइड बनते हैं। ये बेकार और पुराने इसी प्रकार से बच्चों मैंने छोटे छोटे डिजाइन कई प्रकार के तैयार किए बच्चों, सिर्फ पहले ये बेकार और पुराने धागों से ये डिजाइन बनाए गए बच्चों, ये देखिए। तो जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उल्टा है, अगर आप कोई भी तस्वीर बनाना चाहोगे या कोई भी ड्राइंग करोगे पहले आपको उल्टा बनाना, उल्टी साइड बच्चों आप इस प्रकार से बनाएंगे, सीधी साइड काटोगे तो एक वेलवेट एक मक्खन की तरह काफी बच्चे कह रहे कि भाई साहब जी, अंकल जी आप राजस्थान से तो आए हैं, आप हमको पुराने धागों के बारे में बता रहे, हमारे घर में पुराने धागे बहुत पड़े, हम क्या करते कूड़े कचरों फेंक देते, लेकिन जो आप ये कपड़ा दिखा रहे हैं, ये चित्र बता रहे हैं, ये कपड़ा हमको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर भी लग रहा है, लेकिन इसके बनाने के लिए आपने कोई 10-20 हज़ार वाली मशीन भी रखी होगी, हम सारे बच्चों को देंगे, हम घर पर जाकर बनाएंगे। तो माफ़ कीजिए बच्चों, अगर आप सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते बच्चों, तो इसके सीखने के लिए, इसके बनाने के लिए मेरे पास कोई 10-20 हज़ार वाली मशीन, सिर्फ इसके बनाने के लिए, इसके सीखने के लिए बच्चों मैंने अपने हाथों से
मेरी कोई फैक्ट्री नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मार्केट नहीं, सिर्फ मैंने अपने हाथों से एक छोटा सा ऊन का मैंने एक पैन तैयार किया। क्या बनाया बच्चों ने? मैंने अपने हाथों से बनाया, वो पेन मैं आपको बताऊंगा। आप भी अपनी क्लास में बैठकर, अपने घर में बैठकर कोई भी चित्र, कोई भी ड्राइंग आप तैयार कर सकते हैं। तरीका मैं सिखा कर दूंगा, लेकिन बातें नहीं करना है, ध्यान से बच्चों आपको देखना है और सीखने की भी कोशिश करेंगे। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ हाथों की कला है। अगर आप नहीं बनाना चाहते, घर में अपने परिवार है उसको भी समझा सकते हैं। तो पहले नंबर बच्चों, आपके घर में क्या होता है, इस प्रकार से हमारे घर में ये कपड़े सीने वाली, हमारे घर में ये सुई होती है। बच्चों आपके घर में ऐसे कपड़े सीने वाली सुई तो होगी? सब बच्चों के घर में होगी ऐसे? आप एक कपड़े सीने वाली सुई ले सकते हैं बच्चों, घर में परिवार को बता सकते हैं। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ आपको एक कपड़े सीने वाली सुई लेना है। सुई में क्या करेंगे, छोटा सा एक कपड़े सीने वाला रील का धागा ऐसे बांध सकते बच्चों, घर में परिवार को बता सकते हैं। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ आपको ऐसे धागा बांधना है। और बांधने के बाद बच्चों, हमारे घर में ये पुराने धागे जो आप इन्हें कूड़े कचरों में फेंकना चाहते हैं, बच्चों इन्हें फेंकेंगे नहीं, सिर्फ आप इस पुरानी ऊन का इस प्रकार से ये टुकड़ा लेंगे और इसी टुकड़े को क्या करेंगे, इसी के धागे के फंदे में आप इस ऊन को ऐसे डाल देंगे। डाल सकते बच्चों से, अपने परिवार को बता सकते हैं। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ आपको ऐसे धागा डालना है। और डालने के बाद बच्चों, इसके सीखने के लिए, इसकी बनाने के लिए मैंने अपने हाथों से एक छोटा सा ये ऊन का बच्चों मैंने एक पैन तैयार किया है। ये पैन सिर्फ मैंने अपने हाथों से बनाया बच्चों। इस पैन में सिर्फ आप इस प्रकार से धागा डालने के बाद पीछे वाले पैक में इस सुई को इस तरीका से आप इन्हें छोड़ देंगे। ये सुई नीचे से बाहर आएगी, जब बाहर बच्चों आते इसी सुई को आस्ते आस्ते खींचना है, ये ऊन भी बाहर आ जाए। जब ऊन बाहर आते ही बच्चों, इसी के सामने में एक छोटा सा नोक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चों किसी को? किस बच्चों को दिखाई दे रहा है? और किसी को नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा सिखाऊंगा। इसी तरीका से ये सामने वाले नोक में आपको यहाँ से जैसे ही धागे बाहर आते इसी के सामने में आप पैसे डाल दीजिए और इस सुई को भी यहाँ से खींच लीजिए। तो कितनी बार ऊन को डाला बच्चों मैंने? बच्चों मैंने दो बार ऐसे ऊन को डाला है। इस तरीका से तो आप डाल सकते हैं ना, घर में तो परिवार को बता सकते हैं ना। मैं आपको इतने सारे बच्चों को सिर्फ पुराने धागों के बारे में बता रहा हूँ। इतने सारे बच्चे आप बैठे पुराने धागे फेंक देते हैं, लेकिन पुराने धागे से अच्छे अच्छे चित्र बनाइए, अच्छे अच्छे ड्राइंग कीजिए और इसी में आप इस लगाएंगे छोटी सी गांठ। क्या लगाओगे? देखिए बच्चों, अपनी भाषा में कहते गांठ बांधिए। क्या कहते हैं बच्चे? ऐसे हम घूमते टहलते, हम चले गए थे मद्रास। कहाँ चले गए थे? मद्रास तमिलनाडु, क्योंकि अभी मैं आपके हरियाणा में हूँ बच्चों। मैं सर्दियों के समय मैं साउथ भी जाता हूँ, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, बम्बई, सब जगह जाता हूँ। तो मैं चला गया मद्रास। कहाँ चला गया? मद्रास। तो वहाँ के बहुत मद्रासी बच्चे बैठे थे और उसी मद्रासी बच्चों को मैं प्रोग्राम दिखा रहा था। दिखाने के बाद बच्चे, उसी मद्रासी बच्चों को मैंने बताया इसमें लगाना छोटी सी गांठ, तो सारे मद्रासी बच्चे हंसने लग गए। तो मैंने कहा बच्चों आप हंस रहे क्यों? कि भाई साहब जी, अंकल जी, जो आप ये गांठ बोल रहे ना, ये गांठ वाँट हम नहीं समझते। तो हमने बोला बच्चों अपनी भाषा में क्या कहते, तो उसकी भाषा में क्या कहने लगा, अपड़ा में सपड़ा में लड्डू बांधे। बच्चों ऐसे नहीं कि घर पे जाकर लड्डू बांधे, लड्डू बांधे की कोई जरूरत नहीं, गांठी बांधना पीछे से ऊन को खींचना। अब बच्चों इस पैर को चलाने के लिए सिर्फ मेरी तीन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो बच्चा मेरी तीन बातें याद रखोगे तो ये पैन है ना बच्चों, ये कपड़ा क्या, इससे बड़े बड़े चद्दर, बड़े बड़े रुमाल, बड़े बड़े गमछों में आप बना लग जाओ, सिर्फ तीन बातें। अगर जो बच्चा मेरी तीन बातें याद नहीं रखोगे तो बच्चों ये कितना छोटा पेन है, ये पेन आप कभी भी नहीं चला सकोगे। अगर जो बच्चा मेरी तीन बातें याद नहीं रखोगे तो ये पेन है ना बच्चों, आप कभी भी नहीं चला सकोगे। अगर मेरी तीन बातें याद रखोगे तो ये पेन आप जरूर चला सकेंगे। तो तीन बातें याद रखोगे बच्चों? जरूर रखोगे। जिस प्रकार से बच्चों मैंने धागा तो डाला है, ऐसे धागा डाल सकते ना आप। चलाने की मेरी तीन बातें कौन सी होती बच्चों? जब भी हम पेन को चलाते हैं, तो जब भी आप पेन चलाना है तो तीन बातें मेरी कौन सी होती? पहले नंबर बच्चों, आप ऊन को नहीं पकड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अगर बच्चों ये ऊन को पकड़ने से क्या होता है, ये ऊन टाइट हो जाएगा, पेन आपका कभी नहीं चलेगा। कितनी बातें बन गई बच्चों? एक। दूसरी बातें बच्चों, इस पेन के ऊपर ऐसे उंगली नहीं धरेंगे। अगर यह उंगली धरोगे तो ये गिटान आपकी टूट जाएगी, पेन आपका नहीं चलेगा। तो कितनी बातें बन गई बच्चों? तीसरी बातें बच्चों, जब भी पेन को चलाना है सिर्फ बीच से आपको पकड़ना, समझते ना बच्चों? कहाँ से पकड़ना है? उनको फ्री छोड़ो, बीच से पकड़ना है। और जितना भी ये सफ़ेद वाला पॉइंट है ना बच्चों, ये जितना भी सफ़ेद, इसको पूरा डुबाना है। जब भी आपको चलाना है पहले नंबर बीच से पकड़ेंगे। और घर में आपके ऐसे फ्रेम होती बच्चों,
आपके घर में ऐसे लकड़ी की फ्रेम तो होगी बच्चों, किस बच्चों के घर में है और किसी बच्चों के घर में नहीं है, कोई परेशानी जिनके पास ये फ्रेम नहीं, आपके घर में बर्तन तो है ना बच्चों, अगर किसी के पास ऐसे लकड़ी की फ्रेम नहीं है तो कोई परेशानी, घर में बर्तन होते हैं, घर में लोटा है, गिलास है, भगोना है, तबूला है। कपड़े को पहले कस के बांध लीजिए, कपड़ा कोई सा भी हो, आपका पैंट, आपका कमीज, रुमाल, टीवी कवर, बेडशीट, ओढ़ने की शॉल, चादर, कोई सा भी कपड़ा लेंगे। कपड़ा लेने के बाद कपड़े में क्या करेंगे बच्चों, पेन या पेंसिल से आपको ड्राइंग करना है। क्या करना बच्चों, ड्राइंग तो बनाना आता है बच्चों आपको, मान लो कि आपको फूल पसंद है, छोटा सा फूल छाप लो, मान लो आपको कोई ड्राइंग पसंद है तो ड्राइंग बना लो, मान लो कोई चित्र पसंद है तो चित्र बना लो। जब बच्चों ये ड्राइंग मैंने किया, इसी पेन को, इस पेन को क्या करेंगे, कपड़े में पूरा डुबा, क्या करोगे, जैसे ही बच्चों आपने ड्राइंग किया उसी के ऊपर से थोड़ा सा निकालेंगे और पूरा डुबाएंगे, थोड़ा सा निकालेंगे पूरा डुबाएंगे, बस इस तरीका से इस पेन को धीरे धीरे आस्ते आस्ते चलाते जाएंगे। जैसे ही बच्चों मैंने ड्राइंग किया उसी ड्राइंग के ऊपर धीरे धीरे आस्ते आस्ते आप चलाते जाएंगे। बच्चों जहाँ से मैं आपको दिखला रहा हूँ ये उल्टी साइड है, अगर आप कोई भी चित्र बनाना चाहोगे तो पहले नंबर बच्चों आप ऐसे उल्टा बनाएंगे, ये उल्टी साइड बनाने वाला है, ये उल्टी साइड, पीछे से जितने भी ये ऊन के धागे आएंगे बच्चों इसी धागे को कैंची से काट देंगे। बच्चों जहाँ से मैं दिखला रहा हूँ यहाँ से धागे बाहर आ रहे ना बच्चों, जब अपने घर में कोई भी तस्वीर या कोई भी ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, जब बच्चों बनाने वाला ये उल्टी साइड है, अगर आप कोई भी चित्र बनाओगे तो पहले नंबर बच्चों यहाँ से उल्टा बनाएंगे, उल्टी साइड ऐसे बनाएंगे और पीछे से जितने भी ऊन आएंगे इसको कैंची से काट देंगे। काटने का भी मैं तरीका बताऊंगा बच्चों, सिर्फ चलाने का यही तरीका है कि कपड़े में पूरा डुबाओ, थोड़ा सा निकालो पूरा डुबाओ, बस इस तरीका से ऐसे पेन को चलाते हैं। जब बच्चों ये डिज़ाइन आपका पूरा बन जाते हैं, मान लो कि एक आपने फूल बनाए या फूल बनने के बाद जितने भी धागे आएंगे इसी को क्या करेंगे, पेन को हटा देंगे, समझ गए बच्चों। लेकिन मैं तो ये आपके सामने एक लाइन बना के बताया बच्चों, आपको एक लाइन नहीं, जब घर में ये पूरा फूल बन जाए पीछे से ऊन आएंगे, ऊन को उंगली के साथ खींचेंगे, क्या करेंगे बच्चों, उंगली के साथ खींचने से क्या होता है बच्चों, ये सारे धागे कपड़ों में ऐसे टाइट बन जाएंगे और टाइट बनने के बाद बच्चों जब भी अपने घर में छोटे बड़े हमारे घर में ऐसे कैंची होती बच्चों, आपके घर में कैंची तो है ना बच्चों, कैंची से क्या करेंगे, जब मान लो कि ये फूल बन गया है और कैंची कैसे से क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से ऐसे आप इन्हें काट देंगे। तो ये काटने वाला हिस्सा आपके सामने एक वेलवेट, एक मक्खल की तरह आपके सामने ये तैयार बन जाएगी। जहाँ से बनाओगे बच्चों ये उल्टा है और जहाँ से काटोगे ये, तो काफ़ी बच्चे कह रहोगे नहीं अंकल जी, भाई साहब जी, आप राजस्थान से आए, क्योंकि आपके हाथों में प्रैक्टिस है, क्योंकि आप बैठ बस कल नहीं, आपके हाथों में प्रैक्टिस है, आप राजस्थान से आए, हमारे घर में पुराने धागे बहुत पड़े, हम क्या करते कूड़े कचरों फेंक देते, लेकिन हम ये चित्र बनाएंगे कैसे, क्योंकि आपके हाथों में तो प्रैक्टिस है, आपने धागा डालकर ही बता दी, चलाकर भी सिखा दी, काट के भी सिखा दी, लेकिन हम घर में कैसे बनाएंगे। तो सिर्फ दो बच्चे कोई भी क्लास का, एक लड़की एक लड़का मेरे पास आएंगे, मैं उनको बताऊंगा, कोई भी क्लास के आ जाओ बेटे, एक लड़की एक लड़का इधर आ जाओ बेटे, आप इधर आ जाओ। अच्छा बच्चों इतने सारे बच्चे आप बैठे, मैं आपको ये पुराने धागों के बारे में बता रहा हूँ बच्चों, आपके घर में पुराने धागे पड़े रहते, फेंक देते बच्चों, फेंकना नहीं, उससे कुछ चित्र बनाइए, अच्छे अच्छे ड्राइंग कीजिए, जरूर मेरे हाथ में प्रैक्टिस होगी। आप कहेंगे अंकल जी आप राजस्थान से आए, आपके तो हाथों में प्रैक्टिस है, घर में तो पुराने धागे हम बनाएंगे कैसे, अब जरूर मैं आपको धागा डालना चलाना मैं नहीं बताऊंगा, मेरा डिमोस्ट्रेशन बस इतना ही है, और ये चलाना धागा डालना ये आपकी क्लास के स्टूडेंट से इन्हीं के हाथों से आपको चलाकर बताएंगे और इन्हीं के हाथों से आपको धागा डालकर बताएंगे। बेटे अपने हाथ से इस फंदे में डाल दीजिए, सबको ऊपर हाथ करके बताओ, ऊपर हाथ कर सबको दिखाओ, हाथ डाले, डरो मत बेटे काटेगी नहीं आपको, डर डालो, बस एक छोटा एक सुई को पकड़ लो, इसको छोड़ दो, आस्ते आस्ते कोई नहीं, छोड़ छोड़ दो नीचे से, खींचो दूर से, और खींचो और खींचो और खींचो, फिर सामने में नोक दिखाई दे रहा बेटे, पीछे में डाल दो सुई को, आगे से खींचो खींचो खींचो। बेटे आपने ये ऊन डाला है, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटे, बस ऐसे आपको धागा डालना, अगर आप नहीं बनाना चाहते बच्चों अपने घर में परिवार को समझाएंगे और इसी में लगाएंगे आप एक छोटी सी। बच्चों मैंने तीन बातें बताई, तीन बातें आपको याद है या भूल गए, कहाँ बता, मैं बाद में बता दूंगा बैठा। तो बच्चों
मैंने तीन बातें बताई, आपको याद है या भूल गए? कितने बच्चे को याद है मेरे को ऊपर हाथ करके बताएंगे भाई? एक दो तीन चार, पूरी फौज को याद है। अच्छा ठीक है, तो बच्चों मैंने सारे बच्चों को दिखाया, आपको सबको याद है ना? तीन बातें आपको भी याद है बेटे? आपको बेटे मैं बहुत स्कूल में दिखाता हूँ, मैं काफ़ी बड़े बड़े स्कूलों में, काफ़ी कॉलेजों में दिखाता हूँ। कुछ बच्चे मेरी तीन बातें याद रखते हैं, वो बनाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरी तीन बातें घर में जाकर भूल जाते हैं। वो कैसे भूल जाते हैं कि पहली बातें बच्चों मैंने बताया कि बेटे पहले नंबर ऊन को नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर में जाकर ऊन को पकड़ ले। कुछ बच्चों को मैं बताता हूँ बेटे इस पैन के ऊपर उंगली नहीं लगानी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर में जाकर पैन के ऊपर उंगली धर देते। कुछ बच्चों को मैं बताता हूँ बेटे इसे पकड़ना है नहीं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर में जाकर पैन को यूं पकड़ते। कुछ बच्चों को मैं बताता हूँ पूरा डुबाना है और थोड़ा सा निकालना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर में जाकर पैन को यूं पकड़ते। और चलाने का तरीका कैसा है, चलो मशीन से पकड़ाए चल। तो बच्चों ऐसे ये पेन को चलाओगे तो ये पेन आपसे चलेगा बच्चों ऐसे? अगर ये पेन मैं भी ऐसे करके चलाऊंगा तो ये पेन मेरे से भी चलेगा बच्चों? तो भाई पेन में गलती या चलाने में? गलती में आकर अपने प्रिंसिपल सर, अपने क्लास टीचर सर, मैडम जी को बताते, सर जी, भाई साहब जी, अंकल जी तो आए थे राजस्थान से, पुराने धागों के बारे में बता करके, हमारे घर में किसी के पास पुराने मिले, किसी के पास नहीं मिले, हम बाजार गए नए नए धागे खरीद के लाए और घर में गए, ये पेन तो हमसे चलता भी नहीं। माफ कीजिए बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको चलाना है तीन बातें जरूर याद है, मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना है। पहले नंबर ऊन को पेन के ऊपर उंगली इसे पकड़ेंगे, पहले पेंसिल से क्या बनाएंगे, ड्राइंग। मान लो आपको फूल पसंद है, छोटा सा फूल छाप लो। जब फूल छापने के बाद बेटे इसी तरीका से पूरा जैसे ड्राइंग किया उसी के ऊपर पूरा डुबाना, यहाँ तक समझ गए ना बेटे? जब निकालने का समय होता है जल्दी नहीं, बस आस्ते से निकालो, आस्ते से निकाल कर थोड़ा आगे बढ़ाकर पूरा डुबाना है, फिर आस्ते से धीरे से निकाल कर फिर पूरा डुबाना है, फिर थोड़ा सा हाथ से निकाल कर पूरा डुबाना, इसी लाइन के ऊपर चलना है। और ठहरो, ये कटा वाला नॉक है ना, इसको सीधा रखना बेटे, पूरा डुबाना, थोड़ा सा निकालेंगे पूरा डुबाएंगे, चला धीरे से निकालो, धीरे से निकालो और जोर लगा कर देंगे, जोर लगा कर पूरा, हाँ फिर धीरे से निकालो, फिर जोर लगा कर पूरा, हाँ धीरे धीरे चला बेटे। अभी नए नए हाथ है तो आपको धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, जब आपके हाथ के प्रैक्टिस होएगा, आप क्या ये चादर क्या, इससे बड़े बड़े चादर, बड़े बड़े रुमालों में, बड़े बड़े गमछों में आप बनाने लग जाओगे। तो सिर्फ आपको अभी नए नए हाथ तो आपको धीरे धीरे बेटे चला रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, बस इसी तरीका से चलाना है। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ धागों के साथ है, अपने घर में पुराने धागे हैं, फेंकना नहीं, पुराने धागों से आप बना सकते कोई भी चित्र। चला चला बता दे, क्या पूछ रही है? ये आपकी बहन ने एक छोटी सी लकीर बनाकर दिखाई। जब बच्चों ये पीछे से जितने भी ऊन आएंगे ना, आपको इन्हें खींचना है, खींचने से क्या होता है, जितने भी यहाँ से उठे ऊंचे नीचे आ जाते हैं तो फिर इससे बराबर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे खींचने से सारे बराबर हो जाएंगे। और ये पीछे से ऊन आएंगे, इसको आप कैंची से, लेकिन बेटे तो आपको ये लाइन एक बनाए, जब घर में ये पूरा फूल भर जाए ना तो फिर काटोगे तो और सुंदर दिखाई देगा।